राजधानी दिल्ली में आज एक बार फिर से बीजेपी के पूर्व महासचिव संजय जोशी की बड़ी तस्वीरों वाले होर्डिंग लगे दिखाई दिए। इन होर्डिंग्स में एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है। इन होर्डिंग्स पर लिखा है, पाकिस्तान को रमजान पर देते हो बधाई, सुषमा आडवाणी, संजय जोशी, राजनाथ, गडकरी, मुरली मनोहर जोशी और वसुंधरा के लिए मन में है खटाई। जी हाँ, संजय जोशी की बड़ी तस्वीर वाले इस पोस्टर में आगे लिखा है, ना संवाद, ना मन की बात, ना सबका साथ, ना सबका विकास, फिर क्यों करे जनता आप पर विश्वास। जी हाँ, बीजेपी समर्थकों के नाम से छपवाए गए ये पोस्टर आडवाणी, सुषमा और अमित शाह के घर के पास लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले से ही नरेंद्र मोदी के विरोधी और बीजेपी के कभी ताकतवर नेता रहे पूर्व पार्टी महासचिव संजय जोशी ने अपने समर्थकों से ऐसी किसी पोस्टरबाजी से दूर रहने की अपील करते हुए कहा था कि वो पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें लखनऊ चिड़ियाघर का नाम को बदलकर नवाब वाजिद अली शाह कर दिया गया है। नवाबगंज पक्षी विहार का नाम भी बदल दिया गया है। अब नवाबगंज पक्षी विहार चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाएगा। वही संगम क्षेत्र में 4 लेन रोड और पुल निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। तिलहन पर भी यूपी सरकार केंद्र सरकार के बराबर सब्सिडी देगी।